बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सोशल साइंसेज में जो फिका के अंदर सवालात पैदा होते हैं तो इसकी हम एक स्टडी कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है शौहर और बीवी में बराबरी, क्या स्टेटस है दोनों का। यानी हमारा अभी तक टॉपिक शादी का ही चल रहा था। अब सवाल आपके जहन में आता होगा, आपने कोई रिवायती मौलाना साहब से भी कुछ सुनी होंगी बातें, तो इस तरह आपके जहन में सवाल होगा क्या शौहर और बीवी बराबर है या इसमें हैसियत का कोई फर्क है, तादुद इज़दवाज होना चाहिए या नहीं। यानी तादुद इज़दवाज क्या है, यानी एक मर्द जो है वो दो या तीन खवातीन से शादियां कर ले, ये दुरुस्त है कि नहीं। इसमें रिवायत पसंद फुकहा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और जो दौरे जदीद के मोतदिल फुका हैं तो इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों की रीजंस क्या, रीजंस भी हम पढ़ लेना ताकि फैसला आपने करना। यानी दोनों की आप असल रीजंस देखिए, मर्द और औरत का समाजी मर्तबा, दोनों का स्टेटस क्या होना चाहिए, क्या शौहर के लिए बीवी पे तशद्दुद की इजाजत है यानी, और इसका रिवर्स भी है कि बीवी भी शौहर पे तशद्दुद कर सकती है यानी। आप कहेंगे जी ये कैसे, वो पहले नहीं होता था आजकल हो जाता है, तो भी इसमें क्या चीज है। फिर सवाल ये भी है क्या ये सवालात इस बुनियाद पे पैदा हुए कि इंसान का नुक्ता नजर एग्रीकल्चर एज में था और अब हम इंसान इंडस्ट्रियल एज से भी आगे चल के अब इंफॉर्मेशन एज में आ चुका है, तो ये इसमें कोई फर्क आएगा टाइम के साथ साथ। कि जाहिर है कि एग्रीकल्चरल एज का जो कल्चर था वो कुछ और था, इंडस्ट्रियल एज का कुछ और कल्चर था, और अब इंफॉर्मेशन एज में आके और कल्चर चेंज हो गया, तो इसमें दीन के क्या अहकाम आते हैं। अब सवाल है, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में भी मैंने और उससे पहले भी कई लेक्चर्स में ये अर्ज किया था कि इज्तिहाद जब आप गौर करते हैं कुरान और सुन्नत के अहकाम में, पहले आप अपने सवाल को नोट करें और कुरान और सुन्नत में उसको समझें कि वहां पे कोई हुक्म है, अगर है तो वही दीन का हुक्म है, और अगर नहीं है तो फिर आप को कुछ हदीस में कोई अगर बात मिल जाए तो फिर आप उसको पहले रिसर्च कर लें कि ये एक ऑथेंटिक हदीस है कि नहीं है। अगर ऑथेंटिक है तो गुड, फिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हाँ उसको समझ लें ताकि वही और हदीस में भी वही बात मिल जाती है आपको। और अगर हदीस में भी नहीं है तो फिर तो लॉजिकल सोचना अपने अकल से, तो आप देखें कि कुछ स्कॉलर्स ने किस बेस पे काम किया है, कैसे सोचा है, किस बेस पे सोचा है, और इस पे सोचते हुए फिर आप इसमें सिलेक्शन आप करेंगे कि जनाब इसका पॉइंट ऑफ व्यू इस रीजन दुरुस्त है, लेकिन अपने तासुब को अपने मफाद को हटा के करें, अपने कल्चर को भी हटा के करें और इस तरह से सोचें कि असल लॉजिकल एक नेचुरल बेसिस पे आपका डिसीजन सही आए, वरना तो फिर गलत होगा ना। अब आइए तादुद इज़दवाज में, रवायती फुका तो कहते हैं कि जी तादुद इज़दवाज की इजाजत होनी चाहिए, बल्कि फितरी तौर पर तादुद इज़दवाज ही ज्यादा बेहतर है कि लोगों के लिए ऐसा करना है चाहिए ताकि उम्मत की आबादी ज्यादा पैदा हो। अच्छा, उनकी रीजन मैं आपके सामने भी अर्ज करूंगा। आप तो कहेंगे कि जी अब तो इंसानों की आबादी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। सेकुलर हजरात वो लोग हैं कि जो दीन को अपने दुनियावी मामलात पे अप्लाई नहीं करते, वो कहते नहीं जी बस लॉजिकली सोचना है, हमने कोई वो दीन का इसमें मामला नहीं, दीन का बस इतना हिस्सा ही है कि वो बस इबादत करो अल्लाह की और बात खत्म। तो वो कहते हैं कि एक वक्त में एक मर्द या एक औरत को शादी का ताल्लुक कायम रखना चाहिए और मर्द को एक से ज्यादा शादियों की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अगर मर्द को यह आजादी दी जाए तो फिर वो कहते हैं मुसावात का तकाजा यह भी है कि औरत को भी तो आजादी हो कि वो भी एक से ज्यादा शादियां करे, तो वो एक इसकी वो अपनी रीजन ये बयान करते हैं। अब इतदाल पसंद फुकहा वो कहते हैं कि जी तादुद इज़दवाज नहीं करनी चाहिए, अगर मजबूरी हो तो तादुद इज़दवाज की इजाजत होनी चाहिए,
कि जैसे जंगों हादसों में मुल्क के मर्दों की तादाद कम हो तो फिर ख्वातीन, ज्यादा हो तो फिर उनको सेटल करने के लिए फिर ठीक है कि ये इजाजत होनी चाहिए। इस मामले में हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए इस सूरत हाल में कि तदद इज्दवाज की इजाजत हो और किस सूरत हाल में ना हो। तो वो कहते हैं कि हाँ जी ये फिर हुकूमत ही फैसला इसमें करेगी कि जनाब किस केस में के तदद इज्दवाज कर सकता है बंदा और कौन नहीं कर सकता। तो आइए अब हम पहले लॉजिकल दलाइल को देखते हैं और फिर हम कुरान और सुन्नत पे देखते हैं। सेकुलर कहते हैं कि जी मर्द औरत इंसान सब बराबर हैं, इसलिए हकूक और फराइज बराबर होने चाहिए। एक ही जिन्स को ज्यादा शादियों की इजाजत क्यों दी जाए जबकि दूसरे को इससे महरूम किया जाए। उनकी असल रीजन यही है कि दलील यही उनकी। तो मोतदल जदीद फुकाही सही तरह से इसमें जवाब देते हैं। वो कहते हैं जनाब आप हिस्टोरिकली आप देखिए कि अक्सर औकात मर्द जंगों और वबाई अमराज वगैरह की भेंट चढ़ते हैं जिससे खवातीन की आबादी मर्दों से ज्यादा हो जाती है। इस वक्त भी दुनिया के बहुत से ममालिक में ये सूरत हाल है कि खवातीन की आबादी मर्दों की नस्बत ज्यादा है। तो अब ये सवाल है कि अगर यही लिमिट रखी जाए कि एक मर्द सिर्फ एक ही खातून से करे तो फिर जो रह जाएंगी तो उनका कौन संभालेगा, ये इशू है ना। अब अगर तो वो फाइनेंशियली स्टेबल हो खातून, चलो फिर तो उनका गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर ना हो तो फिर शोहर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। दीन में हुक्म है कि शोहर ही सारे एक्सपेंसेस वही करेगा घर के मामला, तो फिर वो खवातीन सेटल कहाँ होंगी। अच्छा, मर्द की जिंसी ख्वाहिश की उम्र खवातीन की नस्बत ज्यादा तवील होती है। बच्चे हों वगैरह की मसाइल की वजह से खवातीन आम तौर पर 40-45 साल की उम्र तक फिर जिंसी ख्वाहिश नहीं रखती, जबकि मर्दों में यह 60 साल तक चलता है उम्र। ये भी नेचुरल मामला। अच्छा, अब ये खवातीन बेहतर जवाब दे सकती हैं इसका कि वाकई खवातीन इतनी 40-45 की एज तक उनमें फिर सेक्स की कोई ज्यादा ख्वाहिश नहीं रहती और मर्दों में चलती है। ये मर्द बेहतर समझते हैं इसको। अच्छा, मैंने केस ऐसे देखे कि वो बुढ़ापे में आके फिर वो बुजुर्ग जो है ना वो मियां बीवी लड़ ही रहे होते हैं। यानी मर्द चाह रहा होता है कि कुछ इस दवाजे ताल्लुक हो और बेगम नहीं चाह रही होती, तो फिर मसला आता है ना। ये भी एक इशू है। खवातीन को कुदरती तौर पर ऐसे मराहिल से गुजरना पड़ता है जिस पर जिंसी अमल सर अंजाम नहीं होती, जैसे अयाम में माहवारी हो गई या बच्चे की पैदाइश का वक्त है, तो जाहिर है कि उस दौर में फिर इज़दवाजी ताल्लुक कायम ही नहीं हो सकता ना। ख्वातीन में ये भी इशू है। अहले मगरिब में तादुद इज़दवाज को बहुत बड़ी बुराई समझा जाता है, लेकिन इनका तजर्बा आप देख लीजिए कि वहां बहुत सारे कम मर्दो जन ऐसे होंगे कि जो अपने शरीक हयात तक महदूद रहे। यानी वो फिर होता यही है कि वो अपनी फैमिली के हद तक नहीं रहते, मियां बीवी तक नहीं रहते, बल्कि उससे आगे ताल्लुक में ही वो करते रहे, अभी भी करते हैं। खास कर जब आलमी जंगें, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये बदकारी इतनी फैली है, तो ये आप खुद, ये मेरे कहने पे ना कहें बल्कि आप खुद उन्हीं के आर्टिकल्स और बुक्स जो उस जमाने में जब ये जंगें हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में हुआ, तो मर्द मारे गए मेजॉरिटी यही हुई और खवातीन थी। तो अब वो तब जाके आप ये देखते हैं कि यूरोप के अंदर तब जाके खवातीन में आया कि वो कुछ काम करें, वरना उससे पहले वो भी नहीं करती थी। तो फिर तो वो बेचारियां जाके एक बकायदा मजदूर की तरह फैक्ट्रीज में भी काम करने लगी, और फिर उसके साथ साथ फिर हुआ ये कि मर्द कम थे लेकिन अमीर थे, तो वो फिर करते थे कि अपनी हवस को पूरा करने के लिए इज़दवाजी ताल्लुक इनसे ऐसे ही करते थे, इसलिए कि वैसे इजाजत नहीं थी कि वो दूसरी शादी कर सके, तो ये चलता रहता था मामला। तो इसलिए वो कहते हैं कि जनाब आप इन सब नेचुरल तरीके से देखिए, तो इसलिए
ऐसे सिनेरियो आते हैं कि जब मर्द को दूसरी शादी की जरूरत पड़ती है। मजीद आप देखिए, रवायती उलमा एक हदीस को बयान करते हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करके कसरत से नस्ल बढ़ाओ कि मैं उम्मतों में तुम्हारी तादाद के बायस फख्र करूंगा, खा ये साकित होने वाले बच्चे क्यों ना हो। तो ये बहकी की एक हदीस है। तो इस पे कई जो खास तौर पर जो रिवायती मौलवी हजरात हैं तो वो कहते हैं कि हाँ जी देखो जी, इससे तो और ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि हो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे खुश हों कि उनके बच्चे, उनकी उम्मत की तादाद ज्यादा। तो अब जो एतदाल पसंद फोका है वो कहते हैं कि जनाब इमाम बहकी साहब ने यह हदीस जो बयान की है तो वही ज़ईफ है। ज़ईफ से मुराद है कि अनऑथेंटिक है, ऑथेंटिक नहीं है। इसकी जो सनद जामे सगीर में इमाम सयूती ने लिखी है कि एक और बुक में भी ये कि यही मिल गई है ये हदीस, तो वहां पे भी रावी के नाम ही मालूम नहीं। इसलिए आजकल के जमाने के अलामा अल्बानी जो हदीस के स्पेशलिस्ट अभी अभी गुजरे हैं तो उन्होंने बताया कि ये अनऑथेंटिक हदीस है। तो जनाब उस बेस पे आप क्यों ये फैसला कर रहे हैं? अच्छा, प्रैक्टिकली मैंने देखा एक मौलवी साहब को कि वो उनके यहाँ कुछ 4 बच्चे हो गए हैं और वो अभी मजीद 4 हैं और उनकी बेगम नहीं चाह रही थी। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो चाहते हैं कि रसूलुल्लाह को जो है ना फख्र आ जाए कि उनकी उम्मत ज्यादा हो जाए। तो इस पे फिर वो कहते हैं एतदाल पसंद फका के, जनाब मौजूदा दौर में कुव्वत की बुनियाद इंसान की तादाद नहीं है बल्कि इंसान की सलाहियत, उनकी क्वालिटी ऑफ मैन पावर, ये इंपॉर्टेंट है। चुनाचे हम देख सकते हैं कि अगरचे मुसलमान दुनिया की आबादी के 20% हैं मुसलमान, लेकिन सबसे ज्यादा गुर्बत ज्यादा और करप्ट ममालिक भी मुसलमानों में। तो फिर भी इस पे सोचें कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पे फख्र करेंगे कि वो खुश होंगे इस पे कि अगरचे इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं लेकिन उनमें वो क्वालिटी ऑफ मैन पावर नहीं है, यह हालत है। फिर वो कहते हैं मुसलमानों ने पिछले 50 बरस में आबादी के बेतहाशा बढ़ाया मगर इस मकदार में वसाइल को तरक्की नहीं दी गई। इतनी बड़ी आबादी ने मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा मसला पैदा कर दिया जिससे एक निकलने की कोई सूरत हाल नहीं है। ऊपर से हुक्मरान तबकों की करप्शन के नतीजे में वसाइल आम आदमी तक मुनासिब मकदार में पहुंच ही नहीं रहे हैं जिससे पूरे मुआशरे में लूट घसूट का कल्चर आम हो रहा है। या अपने केस देखे होंगे, पाकिस्तान में भी देख लीजिए, किसी और मुस्लिम कल्चर में भी देख लीजिए, तो वहां पे ऐसे मामले आ रहे हैं कि अगरचे आबादी तो बढ़ रही है लेकिन करप्शन भी है और फिर उसके साथ साथ ये भी है मामला कि उसी के असरात फिर ये लूट खसूट के मामलात आपको आपको नजर आएंगे। ये आपको सचमुच नजर आया होगा केस। वही कहते हैं कि इस पे फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पे कैसे कर सकते हैं कि इस पे उनको जनाब फख्र हो कि जनाब ऐसी अच्छी उम्मत है, तो ऐसी तो नहीं है और हदीस भी ज़ईफ है। ज़ईफ का मतलब अनऑथेंटिक है। अब कुरान मजीद में हम देखते हैं कि वहां असल हुक्म क्या है। ये सूरत निसा के शुरू से ही यही इरशाद आते हैं। तो देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अय्युहन्नास तक्कू रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरा वनिसाउन वत्तक़ुल्लाहा लज़ी تتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
अब ये पूरी आयात को हम अगर पढ़ें तो असल सिनेरियो सामने आता है कि जिसमें इजाजत दी गई है, है इंसान अपने रब से खबरदार रहिए जिसने आपको एक जान से पैदा किया और इसकी जान से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत सी मर्द और ख्वातीन दुनिया में फैला दी। इस अल्लाह ताला से खबरदार रहिए जिसका वास्ता देकर आप एक दूसरे से मदद चाहते हैं और रिश्तों को तोड़ने से खबरदार रहिए। बेशक अल्लाह ताला आप पर कंट्रोल कर रहा है, नोट कर रहा है आपको। अल्लाह से डरिए और यतीमों के माल इनके हवाले कर दीजिए और इनके लिए इनके अच्छे फंड को अपने बुरे फंड से बदल ना दीजिएगा। इनके फंड को अपने कैश के साथ मिलाकर हरगिज ना कहिएगा, इसलिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह। तो ये जो सूरत है पूरी, ये उस टाइम पे नाजिल हुई है कि जब ये सूरा, जब वो जंग उहद हुई थी और जंग उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से 70 सहाबा शहीद हुए थे। तो अब हुआ ये कि जाहिर है कि उनकी वो शादीशुदा ही होंगे मेजॉरिटी उनके, तो और उनके बच्चे भी थे, तो इनको सेटल करना था। तो अल्लाह ताला ने ये वहां पे फिर ये इरशाद वहां फरमाया। अच्छा, और 70 आप कहने में बहुत कम है, लेकिन उस जमाने में मदीना मुनव्वरा की जो टोटल आबादी को आप अंदाजा कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए थे उनकी टोटल तादाद 1000 थे। तो 1000 में से, अच्छा 1000 में से भी 700 मुखलिस थे, 300 के करीब जो है वो मुनाफिकीन थे। तो 70 लोग यानी 10% कहें कि जो शहीद हुए, तो उनकी फैमिलियों को सेटल करना था, तो वह हुक्म आया। अब मजीद हुक्म हुआ कि जो अब रेड कलर में आपको नजर आएगा कि अगर आपको अंदेशा हो कि यतीमों के मामले में इंसाफ ना कर सकेंगे, तो इनके साथ जो खवातीन हैं इनमें से जो आपके लिए मौजू हो इनमें से 2-2 या 3-3 या 4-4 से निकाह कर लें, अगर डर हो कि इनके दरमियान इंसाफ ना कर सकें तो। इस तरह की सूरत हाल में भी एक ही बीवी रखी है या फिर लौंडियाँ जिन्हें बीवी के हकूक दें जो आपके कंट्रोल में हो, ये इसके ज़्यादा करीब है कि आप बेइंसाफी से बचे रहें और इन खवातीन को भी इनके हक महर दीजिए महर के तरीके से। फिर अगर वो इसमें आपके लिए अपनी खुशी से खुद छोड़ दें तो फिर इसे आप भी मजे से खा सकते हैं। यतीम अगर अपनी नादान और बेसमझ हो तो अपने वो फंड जिसको अल्लाह ने आपके लिए कयामो बका का जरिया बनाया है इसे बेसमझों को के हवाले ना कीजिएगा। हाँ, इनसे फरागत के साथ इन बेसमझ यतीमों को खिलाइए पहनाइए और इनसे भलाई की बात कीजिए। निकाह की उम्र को पहुंचने तक इन यतीमों को जांचते रहिए, फिर अगर इनके अंदर अहलियत पाए तो इनके फंड इनके हवाले कर दीजिए। इस संदेशे से कि ये ना कीजिएगा कि आपको इस संदेशे में कि बड़े हो जाएं तो इसका इनका फंड उड़ाकर और जल्दबाजी करके ये हरगिज ना खाइएगा। यतीम को जो सरपरस्त के पास बड़ी रकम हो इसे चाहिए कि इस यतीम के माल से परहेज करें। अगर सरपरस्त खुद मोहताज हो तो फिर हक के खिदमत के तौर पर दस्तूर के मुताबिक यानी शरफा के मुताबिक तनख्वाह लेकर इससे फायदा ले सकता है। फिर जब इनके अमवाल इनके हवाले करने लगे तो इस पे गवाह भी सबूत के तौर पर ठहरा लीजिए, वरना हिसाब के लिए अल्लाह ताला ही काफी है। इन्हें अब ये देखिए कि पूरा सिनेरियो वो हुआ था कि जंग में 10% मर्द शहीद हुए थे और उनके बच्चे थे जिनके अब फर्ज कर लें पता नहीं कोई किसी के 3 हो 4 हो 5 6 हो हर एक के बच्चे थे, तो वो बच्चे मिला के टोटल कितनी बड़ी आबादी बन गई यतीमों की। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले किया है कि आपने ये करप्शन नहीं करनी और यतीमों के फंड में अपने हाथ भी नहीं लगाना। और फिर उसमें कहा गया कि अभी हाँ वो बच्चा अभी चूंकि अभी शऊर में नहीं है, बच्चा है, तो फिर आप उसको संभालें, उसके फंड को रखें और फिर जब वो
बड़े हो जाएं, आप उसको चेक करते जाएं और जब वो देखें कि अहलियत आ गई फिर दे दें फंड, बात खत्म। और फरमाया कि अगर आप इन यतीमों को नहीं संभाल सकते अकेले तो फिर जो खवातीन हैं तो फिर आप इनसे शादी कर लें। और कहा लेकिन कहीं शर्त रखी कि ये भी इंसाफ हो, इंसाफ अगर इन बीवियों से नहीं करेंगे तो फिर एक ही काफी है। और उस जमाने में गुलामी बाकी थी तो इसलिए ये इजाजत दी गई कि हाँ लेकिन जो लॉन्डी होंगी के जो गुलाम खातून है उनको भी बीवी का स्टेटस दें, तो इस तरह रखें, यानी यहाँ पे शर्त ही है। तो इसलिए जो इतदाल पसंद हैं फुकाह वो कहते हैं कि जनाब इस इन्हीं आयात से ये पता चलता है कि जब हंगामा हो, ऐसा कोई जंग हो, कोई मामला हो और मर्दों की आबादी कम हो तो तब करें, तब तद्दुद इज़्दवाज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल हालातों के जब मर्द और ख़वातीन की तादाद बराबर है तो फिर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर किसी बेवा खातून है, उसको कोई निकाह नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो पा रही उनसी, बेवा खातून है, तो फिर ठीक है, फिर ये है कि बेगम से इजाज़त लें और फिर कर लें शादी अब दूसरी, ताकि बच्चों की खिदमत करनी है यतीम बच्चों की, तो इसलिए करें। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पे आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो इतनी शादियां की थी, तो इसके लिए आप ये खुद देख लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी में सिर्फ एक ही खातून से शादी की है। और रिवायात के मुताबिक सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब शादी हुई है तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 25 साल थी। और सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में रिवायात आती हैं कि 40 ईयर्स की थी। अच्छा, कुछ रिवायात में आता है कि वो 28 ईयर्स की खातून थी लेकिन बेवा थी। तो बहरहाल एक से हुई शादी और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनकी ज़िंदगी 25 साल रही है। फिर 50 ईयर्स की एज में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त तक सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अकेली ही बेगम थी और वो इंतकाल उनका हुआ। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 ईयर्स एज के आ गए थे। अब उस वक्त वाक्या क्या हुआ था कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बच्चियां छोटी थी अभी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक ये प्रेशर भी था कि अल्लाह ताला का एक के हुक्म पे वो काम भी कर रहे हैं, और साथ साथ फिर ये भी मामला चल रहा था कि अब वो बच्चियों को भी सेटल करना है, कैसे करें मामलात को, तो उसमें थे। तो उस वक्त ये हुआ कि एक खातून ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि भी आप इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने एक प्रेशर की हालत में आप हैं, तो आप क्यों नहीं करते कि आप शादी करें तो आपकी बच्चियों को भी, ताकि वो सेटल कर सके। तो हुआ ये कि खातून से आपने फरमाया अच्छा आप बताइए कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ मैं कर सकूँ। तो उन्होंने सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की जो कि खुद एक बूढ़ी खातून थी, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को सेटल करती रही। उस वक्त सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ही कम उम्र की खातून थी। अच्छा, वो खातून ने ऑप्शन दी थी कि आप ये सौदा से भी आप कर सकते हैं शादी और आयशा से भी कर सकते हैं, और ताकि वो आपके बच्चियों को सेटल कर सके। तो जाहिर है कि सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला बड़ी थी उनसे की, तो ऐन उस वक्त डिजास्टर ये हुआ था कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला जो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की जवान बेटी थी, तो उनकी ये हुआ था कि उनका निकाह हो चुका हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो जनाब शिर्क को नहीं मान रहे, तो वो उन्होंने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला पे तलाक कर दिया था। उसमें रुख्सती अभी नहीं हुई थी लेकिन वो था। तो अब
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े अपने टेंशन और प्रेशर में थे, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझा कि भी इनसे फिर शादी हुई, ये सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, और ये भी फिर उससे उम्मत को फायदा हुआ कि अच्छा, तो इससे फिर ये हुआ सिलसिला कि अब सैयदा बहुत ज्यादा इल्मी ज़ौक रखती थी और उन्होंने बहुत तफसील से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को सिखाया। अच्छा, इसके बाद की जो हुई है शादियां, तो उसकी रीजन जो है वो यही आती है उसमें कि वो सब सहाबा किराम शहीद हुए थे, तो अब वो बेवा ख्वातीन को सेटल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी इसलिए की थी, तो ये एक रीजन आती है। और उसके लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था कि भी आप ये करें, क्योंकि अब बड़ी तादाद में सहाबाए किराम, तब आप ये देख सकते हैं कि असल वजह ये थी कि उन्हीं ख्वातीन जिनके शौहर शहीद हो चुके थे, अब उसमें आप देखिए कि सैयदा हफ्सा, जैनब बिनत खुजैमा, उम्मे सलमा, ममूना और उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हुन, इन सबसे शादी इसलिए की थी कि सब बेसहारा खवातीन थी। सैयदा हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा की बदौलत ये थी कि आप उमर रदियल्लाहु अन्हु की बेटी थी और उनके शौहर जो है वो गालिबन शहीद हो चुके थे, तो इसलिए उनसे शादी हुई। उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा के शौहर फौत हो गए थे, तो उनका रिश्ता इसका फिर ये हुआ कि सबसे मक्का मुकरमा उनके जो वालिद थे अबू सुफियान, वो मक्का के सरदार थे और वो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो मरतबा जंग कर चुके थे। लेकिन अब ये हुआ कि जब उन्हें पता चला कि मेरी अपनी बेटी से शादी हो गई, मेरे दामाद हैं, तो उन्होंने फिर वो सारी दुश्मनी ख़त्म हो गई और फिर वो, बल्कि दुश्मनी थी भी नहीं, बस एक कौम का एक वो दुश्मनी का मामला था, वो भी ख़त्म हुआ। तो जनाब ये रीजंस हुई हैं। अच्छा, दीगर ख़वातीन को देखें, सैयदा जुवेरा, जुवेरिया, सफिया और रेहाना रदियल्लाहु अन्हुन, ये तीनों का ताल्लुक दुश्मन कबाइल से था और उन्होंने आके जंग की थी और कैदी आई थी। इसी तरह सफिया रदियल्लाहु अन्हा यहूदी के सरदार की बेटी थी और वो भी जंग में आई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर शादियां की हैं और उन शादियों से हुआ कि वो पूरे कबीले, अब उन्होंने यही किया कि ये तो फिर हमारे अब तो रिश्तेदार हो गए और वो सारी लड़ाई झगड़ा जितनी जंगें उन्होंने की थी ख़त्म हुई। सैयदना ज़ैनब बिनत हजश रदियल्लाहु अन्हा का एक सिर्फ एक्सेप्शन है कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलाम करदा जैद रदियल्लाहु अन्हु से शादी की थी, लेकिन उनमें आपस में चला नहीं मामला और अलहदगी हो गई थी। अलहदगी हुई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप शादी करें, इसलिए कि जैद रदियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह बोले बेटा करार दिया था और अरब कल्चर में यह था कि जनाब वो बेटा हो गया तो जनाब अब ये उनकी शादी जिस खातून से भी होगी वो आपकी बहू हो गई, तो अब वो कभी शादी नहीं हो सकती, तो अल्लाह ताला ने इसको इनके इस रिवायत को कैंसिल करना था, तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि नहीं जनाब, आपके नाम पे आप मुंह बोले बेटे तो वो हैं, लेकिन वो सचमुच बेटे नहीं है और ना ही उनकी बेगम बहू हो सकती हैं, आप करें शादी। और एक आखिरी सैयदा मारिया रदियल्लाहु अन्हा से थी कि जिनको इजिप्ट के बादशाह ने तोहफे के तौर पर एक गुलाम खातून को भेजा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद किया और आज़ाद करके फिर उन्हें ऑप्शन दी कि वो चाहें तो उन्होंने सैयदा मारिया ने शादी की और फिर ये हुआ कि पूरे इजिप्ट में भी एक सबको आ गया कि हाँ भी ये भी हमारा रिश्ता हो गया।
तो वो फिर हुआ क्या कि उसका फिर रिजल्ट यही हुआ, और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद ये आज़ाद होकर उमुल मोमिनीन उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हुई थी। ये बिल्कुल ऐसे ही था मामला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बेगम थी, पहली एक ही थी उनकी सारा रज़ियल्लाहु अन्हा, लेकिन फिर इजिप्ट ही की खातून आई थी तो उनसे उनकी शादी हुई थी और वहां से इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बेटे पैदा हुए थे। तो देखिए कि ये इसी तरह के डिजास्टर्स के साथ ही ये इश्यूज के मामलात में शादियां हुई। अब आइए मर्द और औरत का समाजी स्टेटस क्या है। रवायती फुका तो कहते हैं जी औरत मर्द के ताबे है, अंडर है। सेकुलर कहते हैं कि नहीं जी, हम मर्द औरतें सब बराबर है, सबके हकूक और फराइज बराबर होने चाहिए। तो जो इतदाल पसंद फुका कहते हैं मर्द और औरत अल्लाह ताला की निगाह में बिल्कुल बराबर है। अब जो मर्द हो या खातून हो, जो नेकी करें उनको बहुत बड़ा अजर मिलता है, जो गुनाह करें उनको जो भी सजा आनी है या जो मामला आना है वो सबका बराबर है। घर के इदारे में एक चूंकि एक इंस्टीट्यूट बन रहा है तो मियां बीवी के रिश्ते में जिम्मेदारियों में शरीयत ने ये फर्क इसलिए किया है कि शौहर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल मामला की। तो बस इसीलिए ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक कंपनी बनाते हैं तो कंपनी में जो भी इन्वेस्ट करेगा जो भी, तो वो ओनर बनेगा ना। तो इसी तरह ये घर जो है ये भी एक इंस्टीट्यूट है ताकि अगली नस्ल की खिदमत की जा सके। तो जनाब इसलिए होता यही है कि वो पूरा रिस्पॉन्सिबल वही कैपिटल पे करता है शौहर ही। तो जनाब इसलिए उसको ये स्टेटस इसलिए मिला गया है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, बस ताकि वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें और बाकी मियां बीवी मिलके ही डिसीजन लें। आइए जनाब अब हम इसके लिए जो रवायती फुकहा के दलील है वो भी देखते हैं और इतदाल पसंद फुकहा के हैं वो भी देख लेते हैं, फैसला आपने करना। सूरह निसा में अर-रिजाल क़वामून अला निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बादिहुम व बिमा अनफकू मिन अमवाले, मर्द व ख़वातीन पर निगरान है इस वजह से कि जो अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है इस वजह से कि वो अपने अमवाल में से इन ख़वातीन पर खर्च करते। रीज़न ये बता दी कि भी वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शोहर पे है ना, तो इसलिए। तो इसमें फिर इतदाल पसंद हजरात कहते हैं कि जनाब इसमें इन आयात पे ख़वातीन को कमतर नहीं बनाया गया, बल्कि आयत करीमा में मर्द और औरत का मुस्तकिल जिक्र नहीं है, बल्कि ये खानदान का इदारा जो बन रहा है तो उसका जो हेड है वो शोहर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि फितरी तौर पर इस इदारे का सरबरा वो होगा जो इदारे का माशी जिम्मेदारी उठा लेगा। इस आयत में मतलकन मर्द या औरत का जिक्र नहीं है, बल्कि खवातीन के इदारे में शोहर या बीवी का है। और इसमें मर्द को जो इस इदारे का सरबरा बनाया है इसकी फजीलत यह नहीं है कि वो मर्द है, नहीं जी, बल्कि इसकी जिम्मेदारी है ताकि वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, ये मकसद। और बीवियों को धौंस से दबाना इस शोहर के लिए भी जायज नहीं है कि जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। इसकी हैसियत महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पे है। दीन इस्लाम का मजाज अमरुहुम शूरा बैनुम का है जो सूरह शूरा में है, यानी सब मिलजुल कर फैसला करें, कोई अकेला नहीं कि एक आदमी अपना हुक्म दे और अगले उस पर अमल करें, नहीं जी, बल्कि मियां बीवी दोनों मिलके डिसीजन करें, मिलजुल के फैसले करें। अच्छा आगे देखते हैं, शदीद रिवायत पसंद जो फुका है वो कुछ अहदीस बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के दिन ईदगाह के जानिब निकले तो ख़वातीन के पास से गुजरे, आपने फरमाया ख़वातीन आपको सदका करना है क्योंकि आप में से अक्सर को अहले जहन्नम में देख रहा हूँ।
वो बोली जी वो क्यों या रसूलुल्लाह, आपने फरमाया क्योंकि आप लाम तान कर कसरत से करती हैं और अपने खावंदों की नाशुकरी करती हैं। मैंने आपसे बढ़कर किसी को अकल और दीन के मामले में कम नहीं पाया कि जो कि मर्द की अकल को ख़त्म कर दें। तो वो बोली जी हमारे दीन और अकल में क्या कमी है। फरमाया औरत की गवाही मर्द की नस्बत नसफ नहीं है। और उनका हाँ जी फरमाया फिर ये कि अकल की कमी ये कि आपका जब वो पीरियड आते हैं तो आप ना नमाज पढ़ती हैं ना रोज़ा रखती हैं और ये दीन में कमी भी हुई इसमें। यानी इस हदीस में उनको खवातीन को ये बताया गया कि भी वो नाशुक्री करती हैं, यानी अगरचे खावन जो है वो इतना कुछ पूरा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करता है तब भी उसको हैसियत नहीं देती। तो इस पे उस पर फरमाया गया और फिर बताया गया कि भी दीन और अकल में फिर ये कमी होती है कि भी वो यानी दीन में कमी ये होती है कि एक पीरियड में नमाज रोज़ा भी नहीं होता ना तक ये, और अकल के अतबार से ये इसलिए किया गया कि भी गवाही फाइनेंशियल मामलात में ख़वातीन का मामला चलता नहीं रहा तो इसलिए ठीक कि भी अल्लाह ताला ने यही उसमें किया गया कि भी अगर मर्द जो हैं वही आप गवाह के तौर पर बनाएं अपने जो भी मुआहदा आप कर रहे हैं फाइनेंशियल उसमें, और अगर मर्द ना मिले तो खातून में फिर दो को आप कर लें ताकि एक अगर क्लियर ना उनको मामला हो तो अगली उनको एक्सप्लेन कर रही हो। तो इसलिए ये किया गया। तो बस यही इसमें। तो इत्तदाल पसंद फुका कहते हैं कि जनाब इसके लिए कुरान मजीद की यह आयत आप पढ़ लें तो इसमें अल्लाह ताला ने कितना इक्वल लेवल पे रखा हुआ है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मोमिनीना वल मोमिनाती वल कानितीना वल कानिताती वस्सादिकीना वस्सादिकाती मुत्ताबिरीना वस्साबिराती वल्खाशिईना वल्खाशियाती वल्मुतसद्दिकीना वल्मुतसद्दिकातिल मुतसद्दिकाती वस्साइमीना वस्साइमाती वल्हाफिजीना फुरूजहुम वल्हाफिजाती فذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما। یقینا مسلمان مرد ہوں یا خواتین، مومن مرد ہوں اور خواتین، راست باز یعنی نیک مرد اور خواتین، سچے مرد اور خواتین، صابر صبر کرنے والے مرد اور خواتین، आजी करने वाले मर्द और ख़वातीन، सदका करने वाले मर्द और ख़वातीन، रोज़ा रखने वाले मर्द और ख़वातीन، अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और ख़वातीन، और अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और ख़वातीन، अल्लाह ताला ने इन सब के लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर तैयार कर रखा। इन्हें अल्लाह ताला ने यह बता दिया कि सब बराबर है، सबका इक्वल लेवल है जो आखिरत में भी मिलना है रिजल्ट में। फिर फरमाया अर रिजाली नसीबों में मक तसबू वले निसाई व नसीबों में मा का तसब में मक तसब, यानी मर्दों के लिए इसमें हिस्सा है जो इन्होंने कमाया और ख़वातीन के लिए इसमें हिस्सा है जो इन्होंने कमाया, यानी आखिरत के रिजल्ट की बात हो रही है तो वो है। और इस दुनिया में भी इसी तरह मर्द जो है जो कुछ भी कमाता है अपने बिजनेस में वो मिला, इसी तरह खातून ने अपना बिजनेस किया उनका वो ठीक है, चूंकि दोनों एक घर में रहती हैं तो उनका आपस में ताल्लुक होता है तो उसको वो चाहे तो खातून अपना फंड लगा दें, नहीं लगाना ना लगाए घर में, लेकिन मर्द पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस ये अब ये बात है, इतनी बात है वो कहते हैं। और ये हदीस में सिर्फ इतना ही आया गया है कि कमी है, यानी ये नहीं कि उसमें कोई वो उनको कोई अकल कम है या कोई दीन कम है, वो नहीं मुराद नहीं है, बल्कि सिर्फ ये है कि थोड़ा सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, बस इतना फर्क है। रिवायत पसंद हजरात इस पे भी वो कहते हैं कि जनाब शौहर तो ऐसा है डर कि वो मार भी सकता है। तो कुरान मजीद में ये एक इजाजत दी गई है रिजाल कवामून अला निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बादिहिम وبما انفقوا من اموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ
बिमा हफिज़ल्लाहु वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना फ़हजुरूहुन्ना फ़िल मदाजिअ व अद्रिबूहुन्ना फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन अलैहिन्ना सबीलन इन्नल्लाह काना अलियन कबीरा। शौहर बीवी पर हेड है इस वजह से कि अल्लाह ताला ने आप में से बाज को बाज पर फजीलत दी है और इस वजह से कि अपनी अम्वाल को इन खवातीन पर खर्च करते हैं। तो नेक फर्मा बरदार और अल्लाह के महफूज राजों की हिफाजत रखने वालियों को इनका अजर मिलेगा। जिन खवातीन से तुम्हें सरकशी का खौफ हो तो इन्हें इसलाह करें, अगर ना माने तो इनके बिस्तरों में अकेला छोड़ दीजिए, फिर भी ना माने तो इन्हें हल्का सा मार लीजिए। अगर वो आपकी इताअत करें तो इनके खिलाफ सरकशी का कोई रास्ता इख्तियार मत कीजिएगा, यकीनन अल्लाह ताला बुलंद और अजीम। तो ये आयत है, तो इससे वो फुका कहते हैं हाँ जी जो रिवायती फुका है कि हाँ जी ये पूरा स्टेटस शोर को है। इसकी फिर इतदाल पसंद फुका इसी आयत की हदीस की वजाहत को वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खवातीन के मुकाबले में अल्लाह से डरें, यकीनन आपने इन्हें अल्लाह का की ईमान से हासिल किया और अल्लाह के कलमा यानी निकाह से इनके साथ इस दवाजी ताल्लुक को आपने हलाल किया। इन पर आपका हक ये है कि वो ऐसा काम करें कि जो आपको ना पसंद हो, यानी आपके बेड पर ऐसे शख्स को आने ना दें। अगर वो ऐसा करें तो आप इन्हें इस तरह मार सकते हैं जिनसे चोट का निशान भी ना आए। इनका आप पर हक ये है कि माशर्ती रवाज के मुताबिक इन्हें खुराक और लिबास फराहम करें। यानी इसकी वजाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी, ये बताया कि देखिए कि खातून पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जनाब आपके बेड पे कोई और मर्द ना है, यानी मुराद ये है कि इज़्ज़वाजी ताल्लुक किसी और से ना हो, और वो हो जाए तो फिर शौहर पे अल्लाह ताला ने यही बताया था तरीका कि भी पहले इनकी इसलाह करें, ना आए तो फिर आप बेड से अलग हो जाए ताकि एक साइकोलॉजिकली एक प्रेशर आ जाए, वो भी ना आए तो फिर हल्का सा मार लें, और वो भी ना हो तो फिर बस फिर तो तलाक कर लें, तब इजाज़त दी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भी मारने की अगर आ गई जरूरत तब भी इतना सख्त ना हो कि निशान ना आए, नहीं इतना हल्का हो, इन हल्का सा भी एक साइकोलॉजिकली एक तरह का एक हुआ है कि भी बस ये आखिरी हदी है, इससे ज़्यादा नहीं, तो इसलिए तशद्दुद की कोई इजाज़त नहीं। कुछ और आयात को देखते हैं, उसका तर्जुमा मैं अर्ज कर देता हूँ। हाँ अगर किसी खातून को अपने शौहर पर बेजारी या बेपरवाही का अंदेशा हो तो इन पर गुनाह है कि दोनों आपस में कोई समझौता कर लें, इसलिए कि समझौता बेहतर है, और ये तो आप जानते ही हैं कि लालच लोगों के लिए सरिश्त में है, लेकिन हुस्ने सलूक से पेश आएंगे और तकवा इख्तियार करेंगे तो सिला पाएंगे, इसलिए कि जो कुछ आप करेंगे अल्लाह ताला इसे जान रहा है, अल्लाह जानता है इसे कि जो आप कर रहे हैं तो रिजल्ट भी अल्लाह ने देना। खवातीन के दरमियान पूरा इंसाफ तो अगर आप चाहें भी तो नहीं कर सकते, इसलिए इतना काफ़ी है कि एक की तरफ बिल्कुल इस तरह ना झुक जाएं कि दूसरी उधर में लटकती रह जाए। हाँ अगर अपने आप को दुरुस्त करते रहेंगे और अल्लाह ताला से खबरदार रहेंगे तो अल्लाह ताला बख्शने वाला है इसकी शफकत हमेशा के लिए, और अगर मियाँ बीवी दोनों अलग ही हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इनमें से हर एक को अपनी वुस्सत से बेनियाज कर देगा। अल्लाह बड़ी वुस्सत रखने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। ये गलबा सूरा तो निसा का ही हुक्म है कि जनाब आप अच्छी तरह से ही रखें ये मामले को, और अगर दूसरी शादी भी हो जाए तो तब भी बराबर ना, तो ठीक है प्रैक्टिकली जहनी तौर पे तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये कि कोई लटके ना, यानी सबको टाइम दें आप तब चलेगा, और सबको फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी पूरी करें।
तो ये देखिए इससे, और फिर ये भी इससे ये भी कंफर्म है कि शौहर अगर ज्यादती करे तो बीवी तलाक ले सकती है जब चाहे, उनको पूरी आजादी। तो वही आप फिर खुद फैसला कर सकते हैं कि जनाब मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है, बराबर ही है, बस एक सिर्फ इंस्टीट्यूट जो अगली नस्ल के लिए बनाया गया है घर का, तो उसके लिए बस एक ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, यही फर्क है और कुछ नहीं। तो जनाब आप जो सवालात आपके जहन में बिला तकल्लुफ ईमेल कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, वाह सलाम, जज़ा।